हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑनेस्ट रिएक्शन। मेरा नाम है दीपू जगदीश, वो है दीपू, ये है जतिन, ये है भावेश। नाम याद नहीं है क्या? बोल ना। हाँ, तो आज जो हम रिएक्शन देने वाले हैं वो है साउथ इंडियन एक्टर है और जिनका नाम है चियान विक्रम। तो उनकी मूवी है कॉन्ड्रम कॉन्डन, ऑफिशियल ट्रेलर है। ये मूवी शायद एक्चुअल में तो रिलीज हो गई है पर इनका एक ट्रेलर था, तो वो ट्रेलर देखते हैं फिर बताते हैं आपको कैसा लगा हमें। तो चलें शुरू करें। तो शुरू करने से पहले हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और सुधीर कुमार हमारे फ्रेंड हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा कमेंट किया था, तो अप्रिशिएशन मिलता है आपसे, तो थैंक्स सुधीर हमारा सपोर्ट करने के लिए। तो अब आपने रिक्वेस्ट की थी अल्लू अर्जुन के फाइट सीन्स के बारे में ना, तो इट विल बी आवर नेक्स्ट वन कि हम आगे उस पर रिएक्शन देंगे। उससे पहले हम चियान विक्रम के ये ट्रेलर देख लेते हैं, क्योंकि चियान विक्रम पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि कुछ बॉलीवुड मूवी में भी उन्होंने काम किया है और उनका जो स्वैग है और जो लुक है वो एकदम डिफरेंट है, तो शायद इसमें भी कुछ डिफरेंट ही होगा। तो चलो मिल के देखते हैं। கொஞ்சம் பயமா இருக்கு வாசு, யாராவது கூட இருந்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். என் உடம்பு மட்டும்தான் ஆஃபீஸ்ல இருக்கும், மனசு பூரா இங்கதான். Victim பத்தி ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சதா? He was trained under our own staff. கொஞ்ச நாள் undercover. Turned into a double agent. நம்ம கமாண்டோஸ்ல பெஸ்டான ஆளு. ஜெயிக்கிறதுக்கு ஒரு அர்த்தம் கிட்டுறாங்க. யாமோ கிட்ட. तो कैसा लगा आपको मूवी का ट्रेलर? बहुत मस्त है, एक्शन से भरा, जोरदार होंगे। डाड़ी वाड़ी में देखिए एकदम एकदम लुक जोरदार होंगे। और दीपू तने कितना लगा? बाइक वाला कितना की बाइक डम। और लुक कतरो चियान मस्त। हाँ, तो लुक अच्छा लगा उनको। और जो मूवी है वो शायद डबल एजेंट वाली मूवी है ना, कोई एजेंट है कोई, मतलब बिल्कुल वैसी है अपने 007 वाली। पर जो लुक है कमाल लुक है, मतलब डार्क वाइट बियर्ड है और जो एंट्री, जो थिएटर में अगर एंट्री देखो तो मज़ा आ जाए ना। ओवरऑल कमल हासन ने इस मूवी को बनाया है, शायद प्रोड्यूस किया है शायद, इनकी कमल हासन की डॉटर भी है वो जो एक्ट्रेस है, वो नाम मिस हो रहा है मेरे माइंड से, तो वो है। और ये मूवी आ गई है या आनी बाकी है आप कमेंट बॉक्स में बताना कि मूवी आने वाली है या फिर एक्चुअल में रिलीज़ हो चुकी है, क्योंकि हमें पता नहीं है क्योंकि अभी तक देखी नहीं हमने हमारे सेट मैक्स पे। तो बाकी और मूवी के बारे में देखते हैं क्या है। कौन? चियान विक्रम इज अ डैशिंग बेस्ट इन द इनक्रेडिबल ट्रेलर ऑफ अ तमिल मूवी, तमिल मूवी नॉट तेलुगु, स्टारिंग चियान विक्रम इन द लीड अलॉन्ग विद अक्षरा हसन है कमल हसन की।
among other produced by Kamal Hassan under the banner Rajni Raj Kamal Films International Association with R. Ravindran and Triven Arts, written and directed by Rajesh. कौन है इसमें म्यूजिक दिया है? गिब्रान. सिनेमाटोग्राफी है श्रीनिवासन गुप्ता. एडिटर है प्रवीण केएल. मूवी क्या है एक्चुअली? मूवी है क्या है? अच्छा नहीं है ना, स्टोरी नहीं लिखी इसमें. ओके फ्रेंड्स, तो ये था ट्रेलर कादराम कोंडम, जो तमिल मूवी है और शायद चियान विक्रम तमिल स्टार है, रॉक स्टार है. तो जो जो तमिल इनका चियान विक्रम के जो जो फैन है वो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि मूवी कब आएगी. रिलीज़ हुई नहीं है ना अभी? क्या हो गई है? हो गई है. तो फाइनली तो इसमें एक तो जो एक्शन सीन थे ना वो थोड़े सही थे. साउंड बैकग्राउंड साउंड ऑसम था. एक पल में नज़र ही नहीं हट रही थी, सामने ही देख रहे थे हम तो कि वो आता जाए पर एंडेड हुआ है. राजेश अमन की ब्रांड, ठीक है. अक्षरा हसन की बेटी है कमल हसन की, वो इस मूवी में है ना. तो बाकी भाऊ को क्या कैसा लगा? मस्त लगा, एक्शन से भरपूर और बहुत अच्छा था. स्वैग से भरी एंट्री थी. और देखो बाइक वाला और पेड़ पकड़े हुए लड़कों को दो जने. हाँ और जतिरुक्स बहुत बढ़िया. कैसे क्या क्या था लुक्स? वाइट बियर्ड. अच्छा और बाल. चियान विक्रम की एक मूवी और हमने देखी थी, उसका नाम याद नहीं आ रहा. उसमें जो नेगेटिव रोल है वो भी चियान विक्रम ने ही प्ले किया था, पर उसमें वो जो लुक्स था वो बिल्कुल डिफरेंट था. वो मूवी है ना, उसमें एक एजेंट ही होते हैं और एक बिल्कुल लेडी टाइप लुक होता है. वो मूवी याद नहीं आ रही है हमें कौन सी मूवी है वो. बाकी वो मूवी जब भी आती है देखने का मन करता है. और जो आई मूवी है वो तो हम देखते हैं कब आई वो. आज दिन को देखिए. तो वो भी ऑसम है. जो उनका जो एक्टिंग है वो काफ़ी लाजवाब है. एक्चुअल में जो एक्टिंग होती है वो देखने को मिलती है साउथ इंडियन के एक्ट्रेस के अंदर की जो एक्टिंग होती क्या है. यहाँ तो आजकल मिलता ही नहीं है, बस वही धूम धड़ाका, वही सॉन्ग्स, वही स्टोरी और हीरो वही छलांग इधर उधर कूदना. मैंने किसी का नाम नहीं लिया. ओके सो तो चियान विक्रम की और कौन कौन सी अच्छी मूवीज़ हैं, कुछ अच्छे मूवी सीन्स हो आप हमें बताइएगा, वो हम देखेंगे ज़रूर. बाकी आज तक के लिए इतना ही. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा. प्लीज़ वियर मास्क जब भी आप बाहर जाएं और अपना वैक्सीनेशन जब भी हो, जब भी नंबर आए उसी समय लगवाएं और इंडिया को इस पैंडमिक से बाहर निकलें. क्योंकि इंडिया ही वो कंट्री है जो शायद पूरे वर्ल्ड में भी लॉकडाउन सफ़र कर रही है. बाकी अदर कंट्रीज सब फ्री हो चुकी है, तो जो ग्रोथ है वो इंडिया की रुकी हुई है. ऑलमोस्ट सारे काम बंद है और लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और ये इंडिया से ज़्यादा दिन सफ़र नहीं कर पाएगा और डेथ्स काफ़ी हो रही है. तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, पब्लिक प्लेस में न जाएं. कितना भी ज़रूरी हो न जाएं, क्योंकि सिचुएशन वाकई में ख़राब है. जो थिक लेयर होता है कोरोना का वो हॉस्पिटल के आसपास ही पाया जाता है, हॉस्पिटल भीड़ भाड़ वाले इलाके में. क्योंकि जहाँ पर संक्रमित लोग होंगे, इन्फेक्टेड लोग होंगे, वो अपने ड्रॉपलेट्स छोड़ेंगे और जहाँ पे ज़्यादा ड्रॉपलेट्स होंगे वो इकट्ठा होकर अगर आपके शरीर में जाएगा तो वो एक एक जो इन्फेक्टेड पर्सन आपको नुकसान पहुँचाएगा उससे 10 गुना ज़्यादा वो नुकसान पहुँचाएगा. तो वो कहाँ मिलेगा? वो लोगों की भीड़ में मिलेगा. तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए वहाँ जाना. शायद आप जहाँ से भी हैं आपके यहाँ का लॉकडाउन नहीं है तो और आपको सतर्क रहना है. हम राजस्थान से, यहाँ पर कम्प्लीट लॉकडाउन है. तो गवर्नमेंट ने ये कोशिश की है कि लोगों को अपने घर में बनाए रखें, पर कुछ लोग होते हैं जो हीरो बनते हैं और घर से निकल जाते हैं और फिर मोर बोले रे ऐसे ही, मतलब फिर पुलिस वाले उनको मारते हैं और फिर सिचुएशन ख़राब होती है. फिर कल हमारे घर के पीछे ही बड़ी के तालाब पे 10-15 जनों को पकड़ लिया था. घूम रहे थे, क्या पता भाई ना दारू वारू शराब पी रहे होंगे. फिर उनको पकड़ के क्वारंटाइन किया. अब वो घर पर भी नहीं गए और कहीं और गए. और ऐसे लोग फिर नहीं मानेंगे तो फिर ये जो चैन है वो कैसे टूटेगी? क्योंकि अब तो सिचुएशन वाकई में काफ़ी ख़राब है, लोगों की डेथ काफ़ी हो रही है. तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा और गर्मी का मौसम है तो पानी पीते रहें, भूखे ना रहें और लड़ते रहें. उन लोगों को हिम्मत दें जो कोरोना वॉरियर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको आप प्लीज़ रिस्पॉन्स दें अच्छी तरह से. वो चाहे वो बोले वैसा करें, पुलिस का प्लीज़ कहना माने. और
गर्मी के मौसम में अगर आपके आसपास हरियाली कम है तो पेड़ पौधे लगाएं, ऑक्सीजन वही देता है। और जो परिंदे हैं जो उन पेड़ों पर बैठते हैं अपना घर बनाते हैं, उनके लिए भी पानी ज़रूर रखें। ये मेरा मैसेज था, आपको अच्छा लगे तो आप रिस्पॉन्स देना, और कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, तो बिल्कुल अगर आपको पसंद नहीं है तो भी आप लिखिए, हमें वो भी पसंद आता है। आपको जो पसंद नहीं आता है वो भी हमें पसंद आता है, ताकि क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के ही हमें लगेगा कि इम्प्रूवमेंट है हमें, और अगर आप हमें पसंद करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आपका मोटिवेशन बनाए रखें, हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन, ताकि हमारे जो वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको सीधे तौर पर मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय।